दोस्तों बहुत ही अच्छा वैकेंसी सब निकला है जो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, बिहार पुलिस और सेवा आयोग के तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट ऑफ निकला है आपका सब इंस्पेक्टर का, सर्जेंट का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का पोस्ट ऑफ निकला है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू हो रहा है ये 22 अगस्त से शुरू हो गया है और 25 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे पोस्ट सब क्या है और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों पुलिस सब इंस्पेक्टर का, यहाँ पे 2064 पोस्ट है। सैलरी जो रखा गया है 35,400 से 1,12,400। सेकंड जो है सर्जेंट का है, 215 पोस्ट है, 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे भी सैलरी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, यहाँ पे 125 पोस्ट है, सैलरी जो है लेवल 5 पे है, 29,200 से 92,300 रुपया। फोर्थ पोस्ट जो है वो एक सर्विस मैन लोगों के लिए है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल कैटेगरी में। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है दोस्तों ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इसका वेबसाइट है www.bpssc.bih.nac.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये जितना भी पोस्ट है इसका पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। और ये जितना भी आपका जॉब निकला है यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी सब जॉब के लिए अलग अलग यहाँ पे दे दिया है एडवर्टाइजमेंट में। तो ये इसका डिटेल में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहता है हाइट, रिजर्व कैटेगरी के कितना हाइट रहता है, कितना चेस्ट चाहिए, ये सब यहाँ पे डिटेल में सब जॉब का अलग अलग दे दिया है। अच्छा यहाँ पे और एक तो चीज़ है दोस्तों, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर में 2065 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 35% जो है रिजर्व है, 695 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है, और आयु सीमा में भी छूट यहाँ पे डिटेल में रख दिया है। तो वैसे ही सभी सेगमेंट में कितना आपका जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए वो सब यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, और आपका जो प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे दे दिया है। अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करेंगे हम उसका वेबसाइट में जाके www.bpssc.bih.nac.in में जाके। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 700 रुपीज़ है, और जो रिजर्व कैटेगरी में है उन लोगों के लिए 400 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा। और ऑनलाइन में ही यहाँ पे सब आपका है। और यहाँ पे और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि आपको जो नाम लिखना है, जो एड्रेस लिखना है, उस जो डिटेल लिखना है, आपका जो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नाम लिखना है, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, ये सब होना चाहिए, जैसे हम लोग बाकी जहाँ पे अप्लाई करते हैं सब में रहता है वैसे ही है। इम्पोर्टेंट बात है एज लिमिट का, जो सामान्य वर्ग जो होते हैं उन लोगों के लिए मिनिमम है 20 ईयर्स, मैक्सिमम है 37 ईयर्स, महिलाओं के लिए मिनिमम है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 साल। रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं पुरुषों के लिए 20 साल मिनिमम, 42 ईयर्स मैक्सिमम, महिलाओं के लिए भी वो सेम है। ईबीसी बीसी कैटेगरी में 20 साल और 40 साल, 20 साल और 40 साल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उन लोगों का जो सामान्य वर्ग जैसे सब सेम है, 20 साल मिनिमम मैक्सिमम है 37 ईयर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 20 साल मिनिमम मैक्सिमम है 40 ईयर्स। एक सर्विस मैन मान लो के लिए जो उधर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग के लिए 700, वुमेन्स हो या फिर मैन हो, रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 400 यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसको अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो मिनिमम हाइट और चेस्ट का यहाँ पे दिया है, आप जो जॉब में अप्लाई करते हैं उसमें आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप जॉब के डिटेल पढ़ने के बाद आपका हाइट और चेस्ट का यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वो भी कैलकुलेशन में लिया जाएगा, प्लस यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जैसे आपका दौड़ना 4.5 किलोमीटर 2 मिनट में, ये सब भी यहाँ पे है। ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सब अलग अलग जॉब का अलग अलग दे दिया है, बहुत डिटेल में दे दिया है आपका एडवर्टाइजमेंट में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा है और कोई भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन है, 10+2 है, बाकी जो डिटेल है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।